पिज़्ज़ा की डो के लिए हम लेंगे 8 कप ऑल पर्पज फ्लोर मतलब मैदा। अब हम शामिल करें हैं नमक, सॉल्ट। अब हम शामिल करेंगे चीनी, शुगर। 4 चम्मच हम इसमें इंस्टेंट यीस्ट शामिल करेंगे। 1 चम्मच 2 कप के हिसाब से है इसमें। 1 एग शामिल किया जाएगा इसमें। पहले सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके फिर हम नीम गर्म पानी से इसकी डो को गूंद देंगे अच्छे तरीके से। आटे को आपने बहुत सख्त नहीं रखना, थोड़ा दरमियाना ही गूंदना है। दरमियाना हो, ना ही बहुत पतला और ना ही बहुत सख्त। आटा हमारा अच्छे तरीके से गूंद चुका है। अब इसको हम शॉपर से अच्छे से कवर करके और इसको किसी गर्म जगह पर रख देंगे। ऊपर से मैं इसमें मज़ीद कोई ढक्कन भी कवर कर दूँगी। चिकन बनाने के लिए एक टिक्का मसाला इसमें हम शामिल करेंगे। आधा टिक्का मसाला इसमें ऐड करेंगे क्योंकि चिकन कम है हमारे पास। चिली सॉस ऐड करेंगे इसमें हम। थोड़ा सा सोया सॉस भी इसमें शामिल कर रहे हैं हम। इसमें ऐड कर रहे हैं हम ऑयल, अदरक लहसुन, जिंजर गार्लिक पेस्ट। लो फ्लेम पे इसको हम कवर करके कुक करने रख देंगे। जी चिकन हमारी हो चुकी है रेडी और अब हम इसे चम्मच से कूट बारीक करके फिर इसको हम पिज़्ज़ा की डो के लिए फिलिंग के लिए रेडी कर लेंगे। ये आ गई हमारी डो। आटे का हम पहले बनाएंगे पेड़ा। इसको हमने ढक्कन पे डो की तरह बना लिया है, हाथ से फैला लिया है। अब हम ऐड कर रहे हैं चिली गार्लिक सॉस और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं चिकन। शिमला की मिर्ची हम ऐड करेंगे इसमें। इसमें हम ऐड करेंगे प्याज बारीक कटी हुई, ग्रीन ऑलिव, जैतून ऐड करेंगे हम लोग इसमें। बचा हुआ टिक्का मसाला हम इसमें ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे अच्छे तरीके से। चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ इसमें हम ऐड कर देंगे और अब हम इसे ओवन में या पतीले में बेक करने के लिए रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। लीजिए हमारा पिज़्ज़ा हो गया रेडी।